Hello friends, in the last video we have studied the differences between open loop and closed loop systems, okay, and we have also studied that we will maximum time consider the unity negative feedback. Okay, now in this video I will start with the first main topic of control system, that is called block diagram reduction techniques. Okay, सो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स ये आपकी क्या होती है, ठीक है ना, इससे हमें क्या अचीव होने वाला है. ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में हम करते क्या है, जब हमें बड़े बड़े ब्लॉक डायग्राम गिवन होते हैं और अगर हमें उनका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने को बोला जाता है, दैट इज आउटपुट लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाय इनपुट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हमें क्या करना होता है, रूल्स अप्लाई करके, टेक्निक्स अप्लाई करके उन बिगर ब्लॉक डायग्राम्स को स्मॉलर फॉर्म में लिखना होता है, स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. यही होती है आपकी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स. तो इनके लिए कुछ रूल्स गिवन है, ठीक है, तो हमें वही सेट ऑफ रूल्स यहां पर स्टडी करने हैं. सो जो आपका फर्स्ट रूल होता है, रूल नंबर वन, वो होता है आपका व्हेन टू और मोर देन टू ब्लॉक्स आर इन सीरीज. ओके, सो सपोज करिए मैं यहां पर ब्लॉक्स ले रहा हूं जी वन, जी टू एंड जी थ्री. ओके, एक्चुअली ये ब्लॉक्स के गेन है आपके, और आपका जो इनपुट है दैट इज आर एस एंड आउटपुट इज सी एस. ओके, सो व्हेन टू और मोर ब्लॉक्स आर इन सीरीज, तो क्या होता है आपका, जो सारे के सारे उनके गेन्स हैं वो आपके मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा जी वन, जी टू एंड जी थ्री. ओके, सो ये हो जाएगा इनपुट आर एस एंड आउटपुट इज सी एस. ओके, तो ये होता है आपका रूल नंबर वन, व्हेन टू और मोर ब्लॉक्स आर इन सीरीज देन देयर गेन विल बी मल्टीप्लाइड. ओके, नाउ रूल नंबर टू, व्हेन टू और मोर ब्लॉक्स आर इन पैरेलल. ओके, तो क्या होता है हम देखते हैं यहां पर. सपोज करिए इनपुट क्या है आपका, आर एस है, और जो ब्लॉक वन है उसका गेन जी वन है, ब्लॉक टू का जो गेन है आपका वो जी टू है, एंड ब्लॉक थ्री का जो गेन है आपका वो जी थ्री है. ओके, ये सारे के सारे ब्लॉक्स जो हैं आपके वो एक एडर में जा रहे हैं, ठीक है. ये आपका ब्लॉक वन गया, दिस इज ब्लॉक टू एंड दिस इज ब्लॉक थ्री. ओके, मैं यहां पर प्लस ले रहा हूं साइन, यहां भी प्लस और यहां माइनस ले रहा हूं, एंड योर आउटपुट इज सी एस. नाउ ये आपको डायग्राम जो है वो आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए. यहां पर अगर आप समझे कि इन ब्लॉक्स को मैं पैरेलल में क्यों बोल रहा हूं, तो आपको यहां पर बहुत अच्छे समझना होगा, क्योंकि ये तो स्मॉल डायग्राम है, जब आपके बड़े बड़े डायग्राम होंगे तो समझना मुश्किल हो जाता है. तो यहां पर आपको एक लॉजिक दिमाग में रखना होगा कि अगर हर एक ब्लॉक का इनपुट सेम हो, जैसे कि यहां पर आर एस है, जी वन जी टू जी थ्री तीनों ब्लॉक्स का इनपुट क्या है, आर एस है, और तीनों के तीनों ब्लॉक जो है वो एक ही एडर पे जाके एंड हो रहे हो. देखिए यहां पर तीनों के तीनों ब्लॉक्स जो है वो एक ही एडर पे जाके एंड हो रहे हैं, ठीक है, तो वो ब्लॉक्स कहलाएंगे इन पैरेलल. ओके, सो यहां पर जी वन जी टू एंड जी थ्री आपके पैरेलल में है. सो रूल क्या कहता है, व्हेन टू और मोर ब्लॉक्स आर इन पैरेलल देयर गेन विल बी एडेड. ओके, सो यहां पर क्या हो जाएगा, जी वन प्लस जी टू माइनस जी थ्री. क्यों माइनस जी थ्री, बिकॉज यहां पर माइनस साइन था. ओके, ना आपको बेसिकली अलजेब्रिकली सम करना है, अगर प्लस है तो प्लस यूज करना है, माइनस है तो माइनस यूज करना है. ओके, सो व्हेन टू और मोर ब्लॉक्स आर इन पैरेलल देयर गेन विल बी एडेड. ओके, सो दिस इज रूल नंबर टू. नाउ रूल नंबर थ्री, रूल नंबर थ्री क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट्स. मतलब जैसे सपोज करिए एक इनपुट है आपका आर एस, ठीक है, और वो एक समर में जा रहा है, एडर में जा रहा है, जिसमें एक और इनपुट अप्लाइड है आपका ए. ओके, आर एस और ए दोनों के साइंस क्या है, प्लस है. फिर आपका एक और एडर है जिसमें आपका एक आर एस प्लस ए का इनपुट जा रहा है, और एक इनपुट आपका अलग से और अप्लाई हुआ है बी. ओके, सो यहां भी साइन आपके प्लस और प्लस है, और जो आउटपुट है आपका वो है आपका अगेन सी एस, ही ले लेते हैं हम लोग यहां पर. ओके, सो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है. सो शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट्स या शिफ्टिंग ऑफ एडर्स, ये क्या होता है, ये रूल क्या कहता है, व्हेन टू और मोर एडर्स आर बैक टू बैक, ठीक है ना, देन
देयर पोजिशन कैन बी इंटरचेंज, आप उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे देखिए आप यहां पर रूल क्या कह रहा है कि आर एस आपका इनपुट है, आप पहले सेकेंड एडर यूज कर लीजिए, दैट इज इनपुट इज बी, देन आप फर्स्ट एडर यूज कर लीजिए, ओके उसके बाद आपका आउटपुट जो है वो सी एस का सी एस ही होगा। यहां पर इनपुट क्या होगा आपका ए, सारे साइंस आपके क्या होंगे प्लस होंगे। एक और पॉइंट आपको स्टार्टिंग से दिमाग में रखना है कि अगर किसी एडर में साइन नहीं गिवन है मतलब वो बाय डिफॉल्ट क्या है आपका प्लस है, ओके सो ये दोनों जो डायग्राम्स है आपके वो सेम है, हम एक बार चेक भी कर सकते हैं, ये तो रूल है लेकिन रूल को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे देखिए आप यहां पर जो फर्स्ट एडर है उसका आउटपुट क्या होगा आर एस प्लस ए, और ये आर एस प्लस ए जो है वो बी के साथ एड हो रहा है तो सी एस क्या हो रहा है आर एस प्लस ए प्लस बी, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो फर्स्ट एडर है उसका आउटपुट क्या है आर एस प्लस बी, ओके और जो ये आपका आर एस प्लस बी है वो आपका ए के साथ एड हो रहा है तो आंसर क्या आ रहा है आर एस प्लस बी प्लस ए। तो आप जानते ही हैं चाहे आप 2 + 3 + 4 कीजिए चाहे आप 2 + 4 + 3 करिए आंसर क्या होगा आपका सेम होगा। तो दिस इज योर रूल नंबर 3, ओके यू कैन इंटरचेंज द एडर्स पोजीशन, ओके आंसर विल रिमेन सेम। नाउ रूल नंबर फोर क्या है आपका शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द एडर। तो अगर हम एक स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करें सो सपोज करिए ब्लॉक है हमारा जिसका गेन क्या है जी, ओके नाउ एक आपका इसका आउटपुट है सी एस और जो आपका इनपुट है वो है आपका आर एस। सपोज करिए यहां पर कोई टेक ऑफ पॉइंट है, ओके अब आप सोच रहे होंगे टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है, हमने अभी तक इसको पढ़ा ही नहीं है। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं, हमने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था जहां पर आपका ये जी था प्लांट, आउटपुट आपका क्या था सी एस और आउटपुट से आपका फीडबैक जा रहा था एच, ओके और ये आपका फीडबैक था, ओके सो ये जो पॉइंट है जहां पर आपकी दो लाइंस मिल रही हैं वही पॉइंट आपका कहलाता है टेक ऑफ पॉइंट। तो जहां एक से ज्यादा लाइन जॉइंट होती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड टेक ऑफ पॉइंट, ओके सो सपोज करिए किसी बड़े ब्लॉक डायग्राम पे यहां पर कहीं पर टेक ऑफ पॉइंट क्रिएट हुआ होगा। नाउ आपको इस टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करना है आफ्टर द ब्लॉक, आप देख सकते हैं जो टेक ऑफ पॉइंट है वो बिफोर द ब्लॉक है, ओके सो रूल क्या कहता है जब आप आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट करते हैं टेक ऑफ पॉइंट को तो आपका जो गेन है उस पॉइंट पर वो आपका ब्लॉक के गेन से डिवाइड हो जाएगा। दैट इज जैसे ब्लॉक का गेन आपका क्या है जी है तो जो इस पॉइंट पे जो आपका गेन होगा उसको आपको 1/g से डिवाइड करना होगा, ओके ऐसा क्यों किए हम या हम इस रूल को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं तो आप यहां पर ध्यान से समझिए इस टेक ऑफ पॉइंट पर अभी जो आंसर है वो कितना है आर एस है, इस टेक ऑफ पॉइंट पे आर एस ही है आपका आंसर और कुछ तो नहीं है ना, ओके नाउ अब इस टेक ऑफ पॉइंट को अगर मैं ब्लॉक के बाद शिफ्ट कर दूं तो हम जानते हैं व्हेन टू थिंग्स आर इन कैस्केड तो क्या होता है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आर एस इंटू जी आ जाएगा तो इसका आउटपुट क्या होगा आपका आर एस इंटू जी हो जाएगा। लेकिन टेक ऑफ पॉइंट पे क्या होना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ आर एस होना चाहिए था तो यहां पर क्या आ रहा है आर एस इंटू जी आ रहा है तो हम क्या करेंगे इसे 1/g से डिवाइड कर देंगे, ओके सो आपका आंसर वापस से आ जाएगा आर एस, ओके सो मीनिंग क्या है यहां पर आपकी कि टेक ऑफ पॉइंट पे आपका जो गेन है उसकी वैल्यू सेम रहनी चाहिए, ओके सो ये है आपका रूल नंबर 4 शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, ओके नाउ नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है आपका बिल्कुल रूल नंबर 4 जैसा ही है शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। इसका मीनिंग क्या है टेक ऑफ पॉइंट पहले आपका आफ्टर द ब्लॉक रहा होगा, ओके हमें क्या करना है इसे बिफोर द ब्लॉक शिफ्ट करना है, ओके तो अगर हम बिफोर द ब्लॉक शिफ्ट करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके हम इस रूल को फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। इस रूल को अगर हम वेरीफाई करने के लिए जाएं तो आप देख सकते हैं कि जब ये टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक था तो यहां पर गेन कितना था आपका आर एस इंटू जी, ओके जब ये बिफोर द ब्लॉक आया तो गेन कितना हो गया सिर्फ आर एस हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा जी से मल्टीप्लाई तो वापस से गेन क्या मिल जाएगा हमें आर एस इंटू जी। तो ये रूल क्या है आपका शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, ओके नाउ नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर
6. तो रूल नंबर 6 क्या है आपका, शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द एडर और आफ्टर द समर. इस रूल के लिए भी हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज करिए यहां पर एक एडर है आपका, ओके इस एडर के बाद जो आउटपुट है आपका अगेन वो सीएस है. इस एडर में एक और इनपुट हम अप्लाई कर देते हैं ए, ओके और इस एडर में जो मेन इनपुट है वो है आरएस, ओके सपोज करिए यहां पर आपका टेक ऑफ पॉइंट है. अब आप इस टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर द एडर शिफ्ट करना चाहते हैं, ओके सो रूल क्या कहता है आपका, जब आप इस टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर द एडर शिफ्ट करते हैं सो क्या हो जाएगा आपका, आरएस एडर का आपका इनपुट है, ए भी आपका एडर का इनपुट है. जब आप आफ्टर द एडर शिफ्ट करेंगे इस टेक ऑफ पॉइंट को तो रूल कहता है कि यहां पर आपको एक और एडर अप्लाई करना होगा, ओके और आपको उस एडर में एक इनपुट देना होगा माइनस ए, ओके और इसका आउटपुट जो होगा वो आपका होगा फाइनल आउटपुट, ठीक है. सो ये दो स्ट्रक्चर आपके सेम होंगे. अगर आप टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर द एडर शिफ्ट करते हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, ठीक है. ये स्ट्रक्चर देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अगर हम स्ट्रक्चर को वेरीफाई करने की कोशिश करें तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो आपका एडर का आउटपुट है वो कितना है, आर एस प्लस ए है, ठीक है. यहां पर जो आपका टेक ऑफ पॉइंट पे जो गेन है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ आर एस है. लॉजिक क्लियर है, टेक ऑफ पॉइंट पे आपका गेन जो है वो आर एस है. नाउ अब अगर मैं यहां पर देखूं टेक ऑफ पॉइंट पे गेन तो वो कितना हो जाएगा, आर एस प्लस ए हो जाएगा, ठीक है ना. अगर मैं ये वाला एडर यूज नहीं करता तो टेक ऑफ पॉइंट पे गेन हो जाता आर एस प्लस ए, लेकिन टेक ऑफ पॉइंट पे गेन कितना होना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ आर एस, ठीक है. इसका मीनिंग क्या है, मुझे ए को माइनस करना है तो माइनस करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एक और एडर यूज करना पड़ेगा. तो यहां से कितना आएगा आपका, यहां से आएगा आपका आर एस प्लस ए आएगा और यहां से मैंने माइनस ए लगा दिया तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, वापस से आर एस आ जाएगा. तो जो आपका मेन जो फिगर था उस पे जो टेक ऑफ पॉइंट पे आंसर था और जो आपने फिगर को कन्वर्ट किया उस पे जो टेक ऑफ पॉइंट पे आंसर है अब वो आपका सेम हो गया, तो आपके दोनों फिगर क्या रह गए, सेम रह गए. तो दिस इज अ रूल नंबर 6, शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द एडर, ओके. नाउ रूल नंबर 7 इज बिल्कुल रूल नंबर 6 जैसा ही होगा, बिफोर द एडर, शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द एडर. इसकी क्या मीनिंग है कि जो टेक ऑफ पॉइंट है आपका वो आफ्टर द एडर रहा होगा, इसे अब हमें क्या करना है, बिफोर द एडर शिफ्ट करना है, ओके. सो यहां पर फिर से जो आपका कन्वर्टेड जो फिगर होगा वो कुछ इस तरह से होता है आपका. सपोज करिए मैं बिफोर द एडर यहां शिफ्ट कर दिया हूं, ये आपका आउटपुट सी एस है और ये आपका मेन एडर यहां पर होगा ए, ओके और इनपुट इज योर आर एस. नाउ स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह से बनेगा, आप यहां पर एक और एडर लेंगे, ओके और इसमें आप ए को ऐड कर देंगे. क्यों ऐड किया हमने, हम देख लेते हैं, फिर से हम रूल को वेरीफाई कर लेते हैं. देखिए जब आपका टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द एडर था तो टेक ऑफ पॉइंट पे टोटल वैल्यू कितनी थी आपकी, आर एस प्लस ए थी, ठीक है. एडर का सम क्या है, आर एस प्लस ए. नाउ अब आपने जब इसे बिफोर द एडर कर दिया तो टेक ऑफ पॉइंट पे ये जो टेक ऑफ पॉइंट है आपका उस पे आपका वैल्यू कितनी है, सिर्फ और सिर्फ आर एस है. अगर आप इस सेकेंड एडर का यूज ना करें तो टेक ऑफ पॉइंट पे वैल्यू कितनी है आपकी, सिर्फ और सिर्फ आर एस. तो हमें कितनी चाहिए, आर एस प्लस ए, तो हम क्या करेंगे यहां पर, एक को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, एक और एडर का यूज करके. तो आंसर क्या आ जाएगा, फिर से आर एस प्लस ए आ जाएगा. क्लियर है यहां तक, ओके. तो ये हमारा 7th रूल था, शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द एडर, ओके. नाउ रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या है आपका, शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, ओके. हमें क्या करना है, एक समिंग पॉइंट है हमारे पास, एक एडर है, उसे हमें आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट करना है, ओके. सपोज करिए आपका फाइनल आउटपुट सी एस है, फाइनल इनपुट आपका क्या है, आर एस है और एडर में एक और इनपुट अप्लाई कर रहे हैं हम ए, ओके. जो ब्लॉक का गेन है वो आपका क्या है, जी है. हमारा टारगेट क्या है, अब हमें इस एडर को, दिस इज योर एडर, इसे आपको शिफ्ट करना है आफ्टर द ब्लॉक, ओके. तो जो फाइनल स्ट्रक्चर आपका बनता है, कन्वर्टेड स्ट्रक्चर जो आपका बनता है वो इस तरह से होगा, अगर हम एडर को आफ्टर द ब्लॉक ले जाएं तो आपका पहले ब्लॉक बनेगा, फिर आपका क्या बनेगा, एडर बनेगा, ओके.
ये आपका बन गया फाइनल आउटपुट इज अगेन सी एस. ओके, यहां पर अब चेंजेस क्या है आपके, यहां पर चेंजेस आपका ये है कि जो आपका एडर है उसका जो गेन है वो आपका जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, इस तरह का फिगर आपका कन्वर्ट होगा. नाउ यहां पर पॉइंट ये है कि ये फिगर जो कन्वर्ट हुआ है क्या वो सही है कि क्या वो गलत है, हमें फिर से वेरीफाई करना होगा, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं. देखिए, जब आपका एडर जो है वो बिफोर द ब्लॉक था, ठीक है ना, तो आपका जो फाइनल आउटपुट था वो कितना आ रहा था, देख सकते हैं आप लोग यहां पर एडर का आउटपुट कितना आ रहा है, आर एस प्लस ए. ओके, आर एस प्लस ए, सिंपली हम राइट कर सकते हैं आर प्लस ए, फिर ये जी से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो आउटपुट कितना आ रहा है आपका आर जी प्लस ए जी. ओके, अब अगर जब हम इस एडर को आफ्टर द ब्लॉक रिप्लेस करते हैं, आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, अगर हम इस जी का यूज ना करें तो कितना आ जाएगा यहां पर आपका आउटपुट आर जी, और यहां पर आपका आउटपुट कितना आ जाएगा आर जी प्लस ए. ओके, नाउ अब अगर मैं यहां पर जी से मल्टीप्लाई कर दूं, ए को जी से मल्टीप्लाई करूं, तब मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा आर जी प्लस ए जी, और मुझे चाहिए भी यही था, फाइनल आउटपुट कितना चाहिए था मुझे आर जी प्लस ए जी. हमारा टारगेट क्या है कि हमारा फाइनल आउटपुट रिमेन सेम रहे, ठीक है ना, आफ्टर द कन्वर्जन, ठीक है ना, या आफ्टर द शिफ्टिंग. तो यहां पर अगर हम जी से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो हमारा फाइनल आउटपुट हो जाता है आर जी प्लस ए, और अगर हम जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फाइनल आउटपुट फिर से क्या आ जाता है आर जी प्लस ए जी. ओके, सो दिस इज योर रूल नंबर 8, शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक. नाउ लास्ट रूल, रूल नंबर 9, बिल्कुल रूल नंबर 8 जैसा ही होगा, शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक. इसका क्या मीनिंग है कि जो आपका ब्लॉक है वो आपका पहले रहा होगा, इनपुट क्या रहा होगा आपका आर एस. ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इस समिंग पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक शिफ्ट कर देना है. ओके, तो अगर हम इसे बिफोर द ब्लॉक शिफ्ट करते हैं तो पहले हम इसे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आपका जो ब्लॉक है वो आफ्टर बन जाएगा समिंग पॉइंट के, फाइनल आउटपुट अगेन आपका सी एस, इनपुट इज आर एस. ओके, सो ये जो एडर का जो एक इनपुट था ए था, वो आपका हो जाता है ए अपॉन जी. ओके, क्यों होता है इसे भी हम वेरीफाई कर लेते हैं. आप देखिए यहां पर आपका आउटपुट कितना है आर जी है, आफ्टर एडर आउटपुट कितना होगा आपका आर जी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है. अगर आप यहां पर ए अपॉन जी नहीं करते तो आपका यहां पर आउटपुट क्या होता आर प्लस ए, और आफ्टर एडर आउटपुट क्या हो जाता आर जी प्लस ए जी हो जाता. ओके, नाउ सपोज करिए आपने जी से डिवाइड कर दिया तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा एडर का आर प्लस ए अपॉन जी. नाउ दिस आर प्लस ए अपॉन जी विल बी मल्टीप्लाइड बाय जी, तो कितना हो जाएगा आर जी प्लस ए जी अपॉन जी. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आर जी प्लस ए, और हमारा मेन डायग्राम में भी आंसर क्या था आर जी प्लस ए था, और कन्वर्टेड डायग्राम में भी आंसर क्या हो गया आर जी प्लस ए. तो दिस सेटिस्फाइज द रूल नंबर 9. ओके, तो हमारा ये रूल भी आपका वेरीफाई हो गया. सो ये आपके 9 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में जो आपको यूज करने होंगे जब आप बिगर बिगर सर्किट या बिगर बिगर आप ब्लॉक डायग्राम्स कंसीडर करेंगे. ओके, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं गेट और आईएएस के सिलेबस की बात करूं तो जो आपके ब्लॉक डायग्राम्स है वो अपनी इंपॉर्टेंस खो चुके हैं. अब आपके बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते ब्लॉक डायग्राम से, क्यों, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम अगर बहुत बड़ा गिवन है आपको तो उसे सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है वो, उसका कोई लॉजिक नहीं है कि कोई लॉजिक लगा के आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सके, ठीक है ना. रूल्स गिवन है पर रूल्स अप्लाई करने के बाद भी ब्लॉक्स जो है आपके वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए कि जो आपके बड़े ब्लॉक डायग्राम्स हैं वो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं. ओके, इसकी जगह आपका आता है सिग्नल फ्लो ग्राफ, क्योंकि सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू भी आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आप ब्लॉक डायग्राम में कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको स्मॉलर स्मॉलर ब्लॉक डायग्राम्स के क्वेश्चन गिवन होंगे, बट उसमें आपको लॉजिक अप्लाई करना होगा. तो आजकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन से ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं ब्लॉक डायग्राम में. ओके, क्लियर है पॉइंट. सो नेक्स्ट क्लास पे हम 4 to 5 एग्जाम्पल लेंगे ब्लॉक डायग्राम्स को सॉल्व करने के लिए. उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ जिसमें से मेजर क्वेश्चन आते हैं
ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ की तरफ हम मूव कर जाएंगे. ओके, थैंक यू.